Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So we are discussing our chapter 4, Equatorial Regions, the Congo Basin. And today our topic is about wildlife and occupation. Kiski wildlife or occupation? Democratic Republic of Congo. Wahan ki kya wildlife aur unke wahan ke logon ka kya occupation hai? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो जगह है वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़मीन है उस पे सिर्फ फॉरेस्ट्स ही पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी कम लोग ही देखने को मिलते हैं. जो फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन गोरिलास, मंकीज एंड चिंपैंजीज, इन फॉरेस्ट्स में देखने को मिलते हैं. कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ कॉन्गो फॉरेस्ट्स में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोनोबोस है, पिग्मी चिंपैंजीज हैं. ये यूनिक है कॉन्गो फॉरेस्ट्स में, यानी कि ये किसी और जगह देखने को नहीं मिलेंगे. इसके अलावा एलिफेंट्स, हिप्पोज और वाइट रिनोज वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मार्शी लैंड्स में. मार्शी लैंड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है ग्राउंड पे और छोटी मोटी ग्रास भी होती है, और ये जानवर एलिफेंट, रिनोज, हिपोपोटेमस, ये ऐसी ही जगहों पे वहाँ देखने को मिलते हैं. इनके अलावा कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स या स्नेक्स वहाँ पे पाए जाते हैं. जिराफ्स, लायंस, एंटीलोप्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं. और भी एक जानवर है जिसका नाम है ओकापी. ओकापी जो है ये बिल्कुल जिराफ की तरह होता है दिखने में, लेकिन ये सिर्फ कॉन्गो बेसिन में ही मिलता है. ये सिर्फ कॉन्गो जगह में ही मिलता है, लेकिन बहुत सारी हंटिंग की वजह से क्या हुआ, ये जो बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते थे अब क्या है, दे आर वेरी लेस इन नंबर. अब वहाँ पे ये जानवर उतने नहीं पाए जाते हैं. इसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्यूपेशन के बारे में, वहाँ के लोगों का मेन काम क्या है जिसके साथ वो ज़्यादातर करते हैं. तो एग्रीकल्चर और माइनिंग वहाँ के लोगों का ज़्यादातर यही काम रहता है. एग्रीकल्चर हमने पढ़ा है और माइनिंग भी. माइनिंग होता है आप ज़मीन की खुदाई करके वहाँ से जो भी मिनरल्स आपको मिलते हैं अपने एरिया में वो निकालते हैं आप. अब वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्टर्स. इसलिए वो क्या करते हैं, पहले फॉरेस्टर्स काट देते हैं, उसके बाद जो वहाँ पे ज़मीन होती है उसमें वो क्या करते हैं, वो क्रॉप्स बोते हैं. उसमें जो ज़्यादातर क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कसावा, मेज़, मिलेट और कुछ वेजिटेबल्स. कसावा जो है ये वहाँ का मेन क्रॉप है, यानी कि वहाँ के लोग ज़्यादातर कसावा ही खाते हैं. वहाँ का स्टेपल फूड यही है, जैसे कि हमारा राइस है. कसावा से ही वो क्या बनाते हैं, वो आटा बनाते हैं. कैसे, कसावा जो है ये दिखने में बिल्कुल गाजर की तरह होती है. कसावा भी एक रूट ही है. इसको ये पानी में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद क्या करते हैं, इसका छिलका उठा के इसको सुखा देते हैं और फिर उसके बाद ही आटा बना पाते हैं इसका. कुछ कैश क्रॉप्स भी वहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे कि कोकोआ, टोबैको, रबर, कॉटन और ऑयल पाम. कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जब ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं फिर आप इनको बेच के पैसा कमाते हो. मेनली आपको ये याद रखना है कि ये क्रॉप्स पैसा कमाने के काम आते हैं, और इनमें से ज़्यादातर क्रॉप्स जो होते हैं वो आपके खाने के काम नहीं आते हैं. वहाँ के लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वो क्या होता है, एक जगह से, एक लैंड से दूसरे लैंड तक शिफ्ट करना कल्टीवेशन को. यानी कि अगर मैंने इस साल एक ज़मीन पे कुछ क्रॉप्स बोए, ग्रो करे, तो अगले साल मैं उसी लैंड पे वो क्रॉप्स ग्रो नहीं करूँगी, मैं दूसरे लैंड पे शिफ्ट करूँगी. ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लैंड अवेलेबल नहीं है. उनको फॉरेस्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं लैंड अवेलेबल करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए.
दूसरा ऑक्यूपेशन क्या है? माइनिंग का, क्योंकि जो कॉन्गो बेसिन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर, कोबाल्ट। ये सारे मिनरल्स निकालने के लिए लोग क्या काम करते हैं? माइनिंग का। पूरी दुनिया में अगर कहीं से किसी जगह से ज़्यादा डायमंड और कोबाल्ट निकलता है तो वो कौन सी जगह है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन क्या है कि इस जगह पे ये सारे मिनरल्स तो पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हैं जो इस इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग करके इनको गोल्ड में या फिर डायमंड्स में वो शेप दे। इसलिए क्या होता है, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कॉन्गो बेसिन से बाकी कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतनी नहीं है। So, this is it for the day. Do reading of topic wildlife and occupation. Take care. Allah Hafiz.